नहीं जाती हूँ अकेले। क्यों मेरे को दर्द हुई? तो ये सिक्स क्लास में ना फर्स्ट आया था, तो जो फर्स्ट आता है ना लगता रहता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बहुत नर्वस हो गई, मतलब मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ। मेरी इस साइड दांत में कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फीलिंग करानी है मुझे, इसलिए मम्मा के साथ जा रहे हैं। नाल का है? नाल तो वैसे तो मैंने पहले भी करा हुआ है यार, अभी ना बहुत टाइम के बाद करो, इससे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और मेरे साथ मेरी मम्मा है, मम्मा आगे चले हैं। और उसके बाद जो पहले मेरा बैंक वाला काम रह गया था, मुझे वो भी करना है आज, तो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं। तो बस अभी घर से चले ही हैं और मिलती हूँ आपसे आगे, देखती हूँ कैसे रहता है मेरा डेंटिस्ट का एक्सपीरियंस। अभी से दर्द हो रहा है मुझे तो। मम्मा को देख लो, मैं मम्मा को बोल रही हूँ। ऐसा मौसम कैसे नहीं जाती हूँ अकेले, समझ रहा था मेरे को। क्यों मेरे को दर्द हुई? तो कुछ नहीं होता, तो काफी खराब है कुछ समझ रही थी। अरे तो जो भी है सहारा तो होता है। मम्मा बोल रही है कि को दर्द लगी तो आ या करियो। क्या करूँ मैं यार, मुझे ना तो मेरा काम हो गया हॉस्पिटल में और एक साइड फीलिंग करानी थी, हो चुकी है। काफ़ी टाइम लग गया वैसे, पर दर्द में भी मुझे थोड़ी बहुत सेंसेशन हुई थी, पर अच्छा लग रहा है अब। और मुझे कुछ खाना नहीं इस साइड से, 24 आवर्स लगते हैं इसको सेट होने में। और वैसे तो मैं रहता ही, पर मैं कुछ खा नहीं रही, बस बैठी हूँ यहाँ पे। और अभी मुझे बैंक में भी काम है, तो मैं सोच रही हूँ मैं वो भी कर लेती हूँ, उसके बाद फ्री हो जाऊँगी। रात से सॉरी 0 आई हूँ मैं। और यहाँ जहाँ मेरी फ्राइज फेवरेट हैबिट, मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं खाऊँगी अभी। ऐसे तो उन्होंने बोला है खा सकते हैं इस साइड से, पर फिर भी रहने देती हूँ, कभी और खा लूँगी। खा नहीं सकते पर पी तो सकते हैं, चाय ऑर्डर की है। तो बैंक का काम करने के बाद मैं फ्री होके रूम आ गई थी। इन्हें मैं हिमांशु को लेने गई हूँ। इतनी चढ़ाई में ना थक जाता है, ऊपर से इसका बैग इतना भारी नहीं होता अब, ये थोड़ी बहुत ही वक्त लाता है, ये पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा तो बस मैं आ रही हूँ, चलिए भाग भाग के आए हैं, अब पहुँचने वाले थोड़ी देर में रूम। इज माई ब्रदर, आइए ज़रा। इस बार का इसका एक वो बताऊँ, एक क्या चीज़ किया इसने, आना। इसने क्या किया है, ये सिक्स क्लास में ना फर्स्ट आया था, तो जो फर्स्ट आता है ना उनको क्लास इंचार्ज, सर क्लास इंचार्ज बोल रही हूँ, क्लास मॉनिटर बनाते हैं स्कूल में। तो बंदे ने मना कर दिया कि मुझे नहीं बनना, निशाना बैच भी नहीं मिला। तो इस बार इसको बैच भी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, तो मिल जाएगा अगली टर्म में मिलता है शायद से। तो फिर तूने अगर मना कर दी कि मुझे नहीं बनना, तो बात करूँ ना मना, तो फिर बिजनेस पता क्या बोलता, ये बहुत काम कराते हैं, भगाते रहते ऊपर नीचे। देखो क्या होगा ये आजकल के, पहले मेरा इतना मोटा था ये वाला, इतना मोटा था, भाग भाग के इतना होगा। बस बचपन में देखना मेरी फोटो कितना मोटा है। बस इसका बैग उठा के चली हूँ,
बेचारी मेरी माँ रोज जाती है इसको नीचे ऊपर छोड़ने। आज तो सुबह भी मैं ही आई। वेट स्टेबल ले स्टेबल करने की मशीन। वैसे ये बोलता है कि मैं खुद आ जाऊँगा पर घर वालों का मन नहीं मानता। बीच में कुछ मिल गया कुत्ता बंदर तो फिर वैसे तो सबसे बड़ा यही है जो भी है। मेरी बहन भी तो मेरी बहन आगे चल। मेरी बहन भी कुत्ते की बहन भी चल। इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली तो हॉस्पिटल में मेरा काम हो गया था। मुझे फीलिंग करानी थी एक्चुअली। वैसे तो मैंने पहले भी कराई है और मैंने पहले प्राइवेट क्लिनिक में करवाई थी पर वो निकल गई थी। मैंने अराउंड 5-6 साल पहले करवाई थी। तो उसके बाद इस बार मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल चले जाती हूँ, डेंटल हॉस्पिटल जो कि एजेंसी में। तो फिर क्योंकि वहाँ के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे तो मुझे अच्छा लगा जाके। ऐसे दर्द भी नहीं हुआ, ऐसे मैं डर रही थी कि मुझे पेन होगा बट नहीं हुआ और काफ़ी अच्छे से किया उन्होंने। वैसे तो वहाँ जो करते हैं वो सेकेंड थर्ड ईयर के बच्चे ही होते हैं बट अच्छी तरह से किया उन्होंने जो भी किया। और जिस दर्द से मैं डर रही थी जिसके लिए मैं मम्मा को अपने साथ लेके गई वो भी नहीं हुआ, बस सेंसेशन सी हुई क्योंकि वो तो होनी ही थी। ऐसे दर्द मुझे लगता है रूट नाल में होता है। वैसे मैं आज तक वो चीज़ नहीं करवाई पर हाँ ये रिस्टोरेशन वाली करवाई है। तो ओवरऑल मेरा मतलब ये था कि मैं अपना IGMs का एक्सपीरियंस बताना चाहती थी कि वो अच्छा था क्योंकि हम लोग डरते हैं कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से और हम प्राइवेट क्लिनिक चले जाते हैं डेंटिस्ट के पास स्पेशली। तो IGMC में भी अच्छा है सब कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर, ज़्यादा रश भी नहीं था और हो गया काम अच्छे से। बाकी तो फिर सबकी अपनी चॉइसेस होती है। तो यही तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।